वेल व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। एंड मेरे नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज का जो एपिसोड है वो होने वाला है आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर। तो मैं वैसे मेरा नाम आकाश है, और जो नया है मेरे चैनल पे वो उनको मैं बता दूं कि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, इंजीनियरिंग ऑफिसर हूँ। तो मैं वो काम करता रहता हूँ मेरे शिप पे, और मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी नोट की है गाइस कि जो मेरे फॉलोवर्स हैं, लाइक आप मेरे फॉलोवर्स हो, आप मुझे सुनना अच्छा लगता है आपको, आप मेरी बातों को अडेप्ट करते हैं, सो दैट इज़ अ गुड थिंग ऑफ कोर्स। सो आज के जो टॉपिक है वो मैं रखूँगा सिर्फ आपकी जो मेन चीज़ें हैं जिन्हें आप पे काम करना है उन चीज़ों के ऊपर। लाइक जैसे सबसे पहली चीज़ आती है कि आपके पास, आप जो भी काम कर रहे हैं, सपोज आप मर्चेंट नेवी में हैं और आप या फिर किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, और या फिर आप कुछ नया क्रिएटिविटी सोचते रहते हैं जैसे कि मैं सोचता रहता हूँ। तो गाइस ऐसा है कि सबसे पहला जो चीज़ आता है निकल के वो आता है कि आपका जो टाइम है ना, उस टाइम को आप वेस्ट मत करो। क्योंकि क्या होगा कि आप अगर अपना टाइम वेस्ट कर दोगे ना, तो वो चीज़ जो है जो आपको उस टाइम पे करनी चाहिए थी वो आप उस टाइम पे नहीं कर पाओगे। उसके लिए फिर आपको आगे टाइम देना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे मैंने जो एक साल में फेल हो गए, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर उन्होंने दिया, देन नेक्स्ट ईयर में वो पास हो गए। तो जो वो टाइम जो गया ना आपका पीछे वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर वो आपका उस टाइम पे कवर हो जाता तो आज आप कुछ और होते, यानी आज आप कुछ और अचीव कर चुके होते। तो सबसे पहली चीज़ जो निकल के आती है पॉजिटिविटी थिंकिंग में वो होती है आपका टाइम। आप वेस्ट मत करो, उस टाइम की वैल्यू करो, ठीक है। क्योंकि हर एक टाइम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ना कुछ सोचते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा ऑफकोर्स मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ चाहे कुछ भी सिचुएशंस हो। सी क्या है ना, लाइफ बहुत आसान है यार। अगर सोचो तो, अगर आप लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, लाइक आपका कुछ कोई एजेंट पैसे लेके भाग गया, और किसी एजेंट ने आपको मतलब चीट कर दिया, और वो आप कह रहे हैं कि मैं फ्लाइट दूंगा लेकिन वो नहीं दे रहा। सो उसमें सबसे पहली बात, इंसान जब कोई काम करता है ना, तो उसको एक चीज़ की मतलब एक कहते हैं ना, एक आस रहती है, यानी कि एक चीज़ को करनी है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे शिप पे जाना है, तो मुझे जाना ही है। एक ऐसी चीज़ आप अपने दिमाग में लगा लेते हो, वो चीज़ को मत रखो, वो चीज़ साइड में रखो, क्योंकि सबका टाइम आता है। ओके, क्योंकि आप सब जो हो, आप सब मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हो कि भाई मैं मतलब बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ, और मतलब मैं कैसे स्टैंड करूँगा। तो गाइस मैं तुम्हें बता दूँ, मैं भी एक गरीब फैमिली से ही हूँ। इट्स नॉट लाइक आई एम अ काइंड ऑफ अ रिच, बट या आई एम, इट्स ओके। लाइक मुझे मेरी फैमिली से कभी कुछ लेना देना था ही नहीं। यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर तुम अपना एक स्टैंड बना रहे हो ना, तो उस पर टिके रहो, ठीक है। फैमिली के भरोसे मत रहो यार, क्योंकि फैमिली क्या है, आपको सपोर्ट करती है। सपोज आप अमीर फैमिली से भी हो, आप गरीब फैमिली से हो, तो आपने देखा होगा कि जो इतिहास रचते हैं लोग, वो वही लोग रचते हैं जिनकी खुद एक अलग थिंकिंग होती है, खुद एक अलग सोचते हैं दुनिया से अलग। मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, ऐसी चीज़ें होती हैं। यानी कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ सोचना, कुछ चीज़ों को अडेप्ट करना, ठीक है। आज आपका टाइम नहीं आया, कोई बात नहीं, और मेहनत करो, और सक्सेसफुल हो, आएगा टाइम, कब तक नहीं आएगा। तो एक ऐसा मतलब उसके पीछे पड़ जाओ, कोई चीज करो ना उसके पीछे रहो, मतलब उसके तुम उसका साथ मत छोड़ो चाहे कुछ भी हो जाए। इसको मतलब पॉजिटिविटी कहते हैं, इसको पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, सपोज आप मेरा स्टूडेंट हो, ओके, मेरे तो नहीं हो ऑफकोर्स, तुम एक स्टूडेंट हो। सो एक स्टूडेंट का काम क्या होता है, यानी कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, मतलब टीचर भी समझा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो उस तरफ है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं बाहर जाके भी खेलूं, और मैं मतलब ये शरारतें भी करूं, और मैं पढ़ाई भी करूं। तो तीन चीज़ें कभी नहीं हो सकती एक साथ। क्योंकि मैं खुद एक अच्छा स्टूडेंट था, ऑफकोर्स मैं मतलब मेरा नेचर अच्छा था, मैं खुश रहता था, हालांकि पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। सो मेरे कुछ कलीग्स होंगे वो भी देख रहे होंगे, सो उन सबको पता है कि मैं मतलब हमेशा पढ़ाई करता था, लेकिन सोचता ये था कि मैं ना आज ये करना है, मुझे आज वो करना है, आज ये करना है। सिर्फ टॉपर लोग ही कामयाब नहीं होते गाइस, कामयाब वो भी होते हैं जिनके 70% 60% 50% नंबर आते हैं, वो लोग भी अपना कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेचर अच्छा होता है, उनकी सोच अच्छी होती है, उनकी थिंकिंग अच्छी होती है, उनकी मतलब पॉजिटिव पावर इतनी होती है कि वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो पढ़ भी ना रहे हो, उनको नंबर भी कम आ रहे हो, लेकिन वो अंदर से खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब नहीं आए, अगली बार आ जाएंगे। अच्छा अगली बार भी नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, मैं और पढ़ाई करूंगा तो और अच्छे आ जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे डेवलप करते हैं खुद को। सी कभी भी आप किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर से करोगे ना, वो कभी नहीं होगा। जब तक तुम्हारा मन नहीं करेगा ना, जब तक वो चीज़ नहीं आएगी तुम्हारे अंदर। क्योंकि मेरे को भी ऐसा ही था कि मेरे साथ भी मतलब एक स्कैम हो गया था, या मेरे साथ भी एक फ्रॉड हो गया था, यानी मेरे पैसे भी चले गए थे। बट मुझे सब लोगों ने बोला कि ये क्या लाइन चूज़ कर ली तूने, और तुझे तो पता ही नहीं है, देख तेरे साथ कितना लॉस हो गया, अभी ये घर वालों के ये वो। तब भी मैंने सिर्फ उनको इतना ही बोला कि मेरा लॉस हुआ है,
गाइस मैं कवर कर लूंगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा ना पीछे खींचने के लगे रहते हैं कि अगर ये लड़का है ना, ये आगे नहीं जाना चाहिए, इसको पीछे ही रखो। क्योंकि उनके मतलब अपनी इंडिया की एक सोच रहती है कुछ लोगों की कि मतलब कामयाब होने नहीं देना इसको, मतलब ये कामयाब होना ही नहीं चाहिए। तो गाइस उन लोगों के लिए भी तुम ऐसा सोचो कि ठीक है यार, तुम पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ठीक है? अगर उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं माइंड में नहीं रखूंगा, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। मैं अपनी फैमिली के भरोसे नहीं रहूंगा कि मेरी फैमिली मुझे सब कुछ करके दे देगी। गाइस फैमिली भी एक लिमिट तक करती है, ठीक है? जब आपकी एक एज हो जाती है, यानी कि सपोज आपकी एज 18 19 20 हो जाती है, तो उस टाइम तक आपको अपना कुछ ना कुछ जरूर डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो और उसी चीज़ को आप अडेप्ट करो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं मर्चेंट नेवी में आना चाहता था, तो मैंने उसकी पढ़ाई की, मैंने उसके बारे में सारी चीज़ें स्टडी की, मैंने उसके बारे में देखा कि नेगेटिविटी क्या क्या है उस चीज़ में, मैं क्या क्या चीज़ लूज़ कर दूंगा। लेकिन फिर भी वो चीज़ें मैंने देखा, क्योंकि आप लाइफ में हर एक चीज़ पकड़ के नहीं चल सकते गाइस। कुछ ऐसी स्टेजेस आती हैं जहाँ पे वो चीज़ें आप मिस कर देते हैं। इट्स ओके, मतलब कोई चीज़ जा रही है तो उसे जाने दो यार। अगर वो चीज़ नहीं है तो वो डायलॉग भी था कि अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसे जाने दो, अगर वो लौट गए तो तुम्हारी है सिमरन। तो ऐसा होता है तो जाने दो यार, कोई चीज़ जा रही है उसे जाने दो। और तुम अपना जो है, तुम्हारा टारगेट है, उस टारगेट पे तुम एम रखो, फोकस रखो, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो और धीरे 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 उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो उसके अगले दिन, नहीं तो उसके अगले दिन वो चीज़ आपको आ जाएगी। शर्त सिर्फ ये है कि आप उस चीज़ के लिए टिके रहें, मेहनत करते रहें, आप हार ना माने। क्योंकि एक इंसान तब हारता है जब वो ये सोचता है कि मेरे साथ ये चीज़ या मैं ये चीज़ कर ही नहीं पाऊँगा, तो वो कर ही नहीं पाऊँगा चीज़ आपको सिर्फ पीछे खींचती है। उस चीज़ को थोड़ा दूर रखिए, आई कैन डू इट एंड मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा और सक्सेसफुल होऊंगा, बस ये सोच दिमाग में रहेगी तो ज़िंदगी भी आपके सामने हार मान जाएगी। वो जो आपका बुरा टाइम है, आप जो सोचना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, वो आप कर पाओगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, आपका फोकस था, आपका एम था, आपका एक टारगेट था जो आपको अचीव करना है। ठीक है, तुम फेल हो गए, कोई बात, फेल दुनिया होती है। लाइक ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सचिन तेंदुलकर हर बार 100 ही मारे यार, वो भी कभी कभी जीरो पे आउट होता है, और जबकि वो क्रिकेट का गॉड है, इज द गॉड। ओके, सो ऐसा है, एक एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें कि लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा ना गाइस, तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे पूछो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम कमेंट में डालो, मैं तुम्हें वो चीज़ सारी बता दूंगा, सारी चीज़ तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। क्योंकि तुम कहते हो कि यार अगर ये कर ले, वो वाला कोर्स कर ले तो कैसा रहेगा, वो कोर्स कर ले तो कैसा रहेगा, एक चीज़ पर तुम्हारा एम बनाओ, एक चीज़ तुम्हारा फोकस बनाओ कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हारी स्टडीज़ क्या है जो तुम्हें अलाउ कर रही है कि तुम ये करो, जो तुम्हें अलाउ कर रही है कि तुम वो करो। तो उस हिसाब से तुम अपना एक बेस बनाओ, उस बेस पे धीरे धीरे काम करो और देखो कि कैसी कैसी चीज़ें कहाँ कहाँ पे अडेप्ट होती हैं। लाइफ कोई बुरी नहीं होती, सिर्फ तुम्हारी सोच बुरी होती है। तो सोच को पॉजिटिव रखोगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। सो गाइस आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही था। डोंट वेस्ट योर टाइम, गो फॉर योर गोल और बस कर दो, जो होगा देखी जाएगी, आज नहीं तो कल सक्सेसफुल ज़रूर होगे तुम, तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करो। इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। सो दिस इज आकाश मर्चेंट नेवी टेकिंग साइन ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, यू हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।